नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के प्रमुख खबरों को। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान मोचा के प्रभाव से बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में थंडर स्टॉर्म की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। यह गतिविधियां 3 दिनों के लिए संभावित है। हालांकि मौसम विभाग ने इसको लेकर किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। दरअसल मोचा की सक्रियता बिहार से काफी दूर है, ऐसे में इसका कोई खास प्रभाव राज्य में नहीं है। पश्चिम बंगाल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता के पास एम्बुलेंस का किराया नहीं होने के कारण 5 महीने के अपने बच्चे का शव बैग में डालकर बस से 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। सिलीगुड़ी से कालियागंज में उसके घर तक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक ने उससे 8,000 रुपये मांगे थे। इस मामले को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जहाँ तृणमूल कांग्रेस सरकार की स्वास्थ्य साथी बीमा योजना पर सवाल उठाया, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर एक बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। हैदराबाद में वंदे भारत ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। यहां से तिरुपति जाने वाले यात्रियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि सरकार ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूदा 8 कोच को बढ़ाकर 16 कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन के साथ दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन के साथ बैठक सार्थक रही है। हमने विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक चर्चा की। भारत को निवेशक के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरता देख कर खुशी हुई। देश के कुल इम्पोर्ट बिल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी एनर्जी प्रोडक्ट्स की होती है, फिर उसमें क्रूड ऑयल हो या फिर गैस, लेकिन सरकार अपने इस बिल को 16,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा कम कर सकती है। जानकारों की माने तो सरकार कोयले के यूज से अपने एनर्जी इंपोर्ट बिल को कम कर सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर देश 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर के कोल बेड मिथेन रिजर्व का 10% यूज करता है तो भारत अपने एनर्जी इंपोर्ट बिल को $2 अरब तक कम कर सकता है। एशिया कप अधिक दूर नहीं है, लेकिन अब तक इसके आयोजन स्थल को नहीं चुना जा सका है। टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। सितंबर में आयोजन तय है, लेकिन पीसीबी और बीसीसीआई के बीच विवाद के चलते अभी वेन्यू का इंतजार किया जा रहा है। अब खबर आ रही है कि एशिया कप के मैच इंग्लैंड में खेले जा सकते हैं। भारत को जून से इंग्लैंड में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, यानी इंग्लैंड में भारत को 2 बड़े टूर्नामेंट खेलने पड़ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने उन 928 कलपुर्जों और उपप्रणालियों की एक नई सूची को मंजूरी दी है जिन्हें सिर्फ घरेलू उद्योगों से खरीदा जा सकेगा। इन वस्तुओं के आयात पर अगले 5 सालों में धीरे धीरे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि यह कदम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के सरकार के समग्र उद्देश्य के अनुरूप है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिले के 203 पत्थर कारोबारियों पर 300 करोड़ से अधिक का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है। सभी कारोबारियों को इस संबंध में पत्र भेजकर जल्द से जल्द राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। बीते 9 मई को भोपाल, छिंदवाड़ा और तेलंगाना के हैदराबाद से पकड़े गए अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों से मध्य प्रदेश एसटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। तेलंगाना में पकड़े गए 5 संदिग्धों से भी भोपाल आकर पूछताछ की जा रही है, क्योंकि वहां से जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है वह मूलतः भोपाल का रहने वाला है। वह हिंदू से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बना है, उसे एनआईए के अधिकारी भी पूछताछ कर चुके हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि भोपाल का यासिर और हैदराबाद का सलीम ही भारत में एचयूटी के मास्टरमाइंड है। टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा है कि इस्पात संयंत्रों में उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 4 करोड़ टन करने का पर्याप्त अवसर है। उनके मुताबिक भारत में इसके मौजूदा संयंत्रों में 2030 तक 4 करोड़ टन की क्षमता हासिल की जा सकती है। टीवी नरेंद्रन ने कहा है कि आंकड़ा कंपनी की मौजूदा उत्पादन क्षमता से लगभग 2 गुना है। भारत समेत दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर से मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। लंग्स कैंसर बेहद खतरनाक बीमारी है। पिछले कुछ सालों में इलाज में प्रगति के बावजूद इस बीमारी में मरने वालों की संख्या में मामूली सी कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर के मामलों और उससे होने वाले मौतों का डेटा एकत्र करने वाले संस्था ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी 2020 के अनुसार फेफड़े का कैंसर वर्तमान में भारत में इस बीमारी से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार है। रक्षा मंत्री ने भारत की नीति के बारे में साफ किया है कि भारत किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन अगर देश को छेड़ा जाता है तो नापाक मंसूबे पालने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। गौरतलब है कि लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक लड़ाई में कई जवान शहीद हुए थे। मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत के शूरवीरों ने चीन के सैनिकों को भी मार गिराया था। नेशनल मेडिकल कमीशन के बनाए गए नए नियमों के मुताबिक अब देश में डॉक्टरों को मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी यूआईडी हासिल करना जरूरी होगा। डॉक्टरों के लिए ये यूआईडी एनएमसी एथिक्स बोर्ड से जारी किया जाएगा। ये यूआईडी डॉक्टरों को एनएमआर में रजिस्ट्रेशन कराने और भारत में मेडिसिन प्रैक्टिस करने की योग्यता प्रदान करेगा।
सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी यूजर्स को 28 दिनों के लिए 239 रुपए का फ्री रिचार्ज दे रहे हैं या 2024 के चुनाव से पहले मुफ्त रिचार्ज दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग भाजपा सरकार को वोट दें। लेकिन इस मैसेज का भंडाफोड़ करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि उपरोक्त दावा फर्जी है। भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC आपको दक्षिण भारत के मशहूर धार्मिक स्थानों पर घूमने का मौका दे रही है। IRCTC एक पैकेज लाने जा रही है जिसमें आपको बेंगलुरु, मैसूर, कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वर, मदुरै और तिरुपति घूमने का मौका मिलेगा। IRCTC का यह ट्रेन टूर पैकेज 10 रात और 11 दिनों का होगा। खास बात यह है कि आपके लिए केवल पेमेंट करने हैं। और उसके बाद यात्रा, खाने पीने और ठहरने की टेंशन नहीं लेनी होगी। सरकार इस सप्ताह एक ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है। इस प्रणाली के जरिए देश भर में लोग अपने गायब या चोरी हो चुके मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकेंगे या उसका पता लगा सकेंगे। प्रौद्योगिकी विकास निकाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट और टेलीमेटिक्स दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कुछ दूरसंचार सर्किलों में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर प्रणाली को प्रायोगिक आधार पर चला रहा है। दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने PIT भाषा से कहा है कि अब इस प्रणाली को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया जा सकता है। अगर आपका भी बैंक बिना वजह के आपके अकाउंट से पैसा काटता रहता है तो यह खबर आपके काम की है। RBI के नियम के तहत बैंक ग्राहक के अकाउंट से मिनिमम बैलेंस ना होने पर भी पैसे नहीं काट सकता है। वही पेनल्टी के नाम पर कटौती करके बैंक ग्राहक का अकाउंट माइनस में नहीं कर सकता है। फिर भी यदि कोई बैंक ऐसा करता है तो ग्राहक RBI में जाकर बैंक की शिकायत कर सकता है। हिंसाग्रस्त मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने अपने 4 कैबिनेट मंत्रियों और प्रदेश BJP अध्यक्ष शारदा देवी के साथ रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। राज्य के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सपम रंजन सिंह ने यह जानकारी दी है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिनों पहले ही मणिपुर में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसमें 7 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। सपम रंजन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री, उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों और BJP के प्रदेश इकाई के प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है। टाटा ग्रुप एक और सरकारी कंपनी खरीद सकता है। नई कंपनी को खरीदने से इसके एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का फायदा होगा। जिस कंपनी पर अब टाटा ग्रुप की नज़र है वो एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AIESL है। फिलहाल AIESL एक सरकारी कंपनी है पर सरकार जल्द ही इसे बेच देगी। मोदी सरकार जल्दी आर्थिक अपराधियों का यूनिक ID सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत आर्थिक अपराध करने वाले व्यक्ति और कंपनियों का एक यूनिक ID होगा। इसके जरिए सरकार उनकी ट्रैकिंग आसान कर सकेगी। इसके तहत व्यक्ति की आर्थिक अपराध यूनिक ID आधार से लिंक होगी जबकि अपराधियों की आर्थिक अपराध यूनिक ID पैन कार्ड से लिंक होगी। बता दें कि सरकार ने करीब 2.5 लाख आर्थिक अपराधियों की लिस्ट तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली हाई पावर सिलेक्शन कमेटी ने कर्नाटक के DGP प्रवीण सूद को CBI के नए डायरेक्टर के तौर पर चुना है। सूद इस पद पर 2 साल तक रहेंगे। वह सुबोध जायसवाल की जगह लेंगे जो 25 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। बता दें कि हाई पावर सिलेक्शन कमेटी में PM नरेंद्र मोदी के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह आज रिटायर्ड हो रहे हैं। विदाई के लिए आयोजित विशेष बेंच में शामिल जस्टिस शाह संबोधन के दौरान अचानक रो पड़े। अपने विदाई भाषण में जस्टिस शाह ने कहा है कि मैं रिटायर होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक नई पारी शुरू करूंगा और मैं इस पारी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। इस दौरान उन्होंने राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर गाने की लाइनें बोली। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे सदा रहेंगी। इसके बाद जस्टिस शाह रो पड़े। विवादित फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जून के पहले हफ्ते में सुनवाई करने का भरोसा दिया है। याचिका लगाने वाले पुनीत कौर बाजवा की ओर से कई राज्यों में फिल्म पर लगे बैन को हटाने की मांग की गई है। साथ ही फिल्म देखने आए लोगों और स्क्रीनिंग करे सिनेमा घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। याचिका में पश्चिम बंगाल के अलावा केरल, तमिलनाडु और राजस्थान को पक्षकार बनाया गया है। SEBI ने सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है। नियामक ने इस हलफनामे में साफ किया है कि वर्ष 2016 से अडानी समूह की जांच की जाने की बात तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह निराधार है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मणिपुर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मणिपुर से मोइती और आदिवासी समुदायों के बीच पिछले दिनों हिंसक संघर्ष के बाद 5,800 से अधिक लोग पड़ोसी राज्य मिजोरम की ओर भाग गए और उन्होंने कई अलग अलग जिलों में शरण ली हुई है। एक अधिकारी ने हालात के बारे में जानकारी दी और बताया है कि मिजोरम के 6 जिलों में चीन कुकी मिजो समुदाय के 5,822 लोग अस्थायी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। अब मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को कर्नाटक के नए CM के नाम की घोषणा की जा सकती है।
सीबीआई ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले की जांच के सिलसिले में इंडिया अहेड न्यूज चैनल के वाणिज्यिक प्रमुख एवं प्रोडक्शन कंट्रोलर को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि अधिकारियों ने बताया कि समाचार चैनल के वाणिज्यिक प्रमुख एवं प्रोडक्शन कंट्रोलर अरविंद कुमार सिंह को गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान संभालने वाली कंपनी को हवाला चैनल के माध्यम से 17 करोड़ रुपए अंतरित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बिहार के 36 वर्षीय आदिवासी व्यक्ति को बीते शनिवार को केरल के मलप्पुरम जिले के कीजी सरी में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। मृतक की पहचान राजेश मांझी के रूप में हुई है। कोंडोटी पुलिस ने इस अपराध के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच शुरू कर दी गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, एमडी साकिर हुसैन, संजय चौधरी, दीपक कुमार, लव बैठा और नौशाद रजा। बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।